पालक आलू की सब्जी तो आप बहुत बार खाए होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये खाने में टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी भी है। इसे आप गर्म गर्म रोटी, चावल, पूरी, पराठा के साथ खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी रावत, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफस्टाइल। पालक आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने देखिए पालक को अच्छे से साफ करके धो लिया है और इसे मैं बड़े बड़े पीस में कट करके बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पालक को अच्छे से बॉईल कर लिया है, तो ये भाप आने तक ही बॉईल करना है, ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने पानी को अलग कर लिया है और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है और यहाँ पर मैं एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कट करके डाल रही हूँ और 3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने तीखे के अकॉर्डिंग लें, और थोड़े से मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है, तो इसे भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका अच्छे से हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं इसका ढक्कन लगाकर पेस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 बड़े आलू को धोकर कट कर लिया है और 1 बड़ा प्याज है, उसे भी मैंने बारीक कट किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैं कढ़ाई को रख दी हूँ चूल्हे पर, तो इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डाल दिया है। हींग हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद मैं बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देती हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है, तो चलिए इसे हम 1 मिनट भून लेते हैं। और इसमें मैंने 2 सूखे लाल मिर्च भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं। तो अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो प्याज पूरी तरीके से नहीं भूनना है क्योंकि आलू को भूनते भूनते प्याज का जो कलर है वो एकदम डार्क हो जाएगा, इसलिए हमें पहले ही आलू को डाल देना है और इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो इसे हम ऐसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ढक करके इसे भूनेंगे और बीच बीच में हम चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू भून गया है। अब इसमें हम जो पेस्ट बनाए हैं पालक का, उसे हम ऐड कर देंगे। तो पालक का पेस्ट डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिलाते हुए 1-2 मिनट भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों इसकी सब्जी, आप एक बार ज़रूर बनाइए। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और मंत्रा का गरम मसाला ऐड कर दी हूँ 1 छोटा चम्मच। तो चलिए मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है, अगर आपको ज़्यादा मसालेदार पसंद है तो आप अलग से मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मसाले को मिलाने के बाद इसे ढककर हम 1-2 मिनट और भूनेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आलू पालक है वो अच्छे से भून गया है और कढ़ाई थोड़ा पतला है इसलिए थोड़ा सा हल्का सा इसमें लग गया है, जला नहीं है, बस हल्का सा चिपक गया है। तो हमारा जो आलू पालक है अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे, जितना हमें ग्रेवी चाहिए। यहाँ पर मैं मिक्सी जार को अच्छे से धोकर डाल दी हूँ, उसमें पालक लगा था तो अच्छे से साफ हो गया है। और जो मैं पानी पालक का बचा के रखी थी शुरुआत में, उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें 1 कटोरी पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। तो पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो अब इसमें लास्ट में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से मिला करके हम ढक देंगे पकने के लिए सब्जी को। तो आइए हम देख लेते हैं। 6-7 मिनट हो गया है और सब्जी को मैं बीच बीच में चेक कर रही थी। तो आइए देख लेते हैं कि आलू हमारा अच्छे से पका है कि नहीं। और देखिए हमारा आलू भी अच्छे से पक गया है और ग्रेवी भी थोड़ा कम हो गया है, जितना हमको चाहिए था उतना ही ग्रेवी है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज की हमारी ये पालक आलू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, उससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं इसी तरीके से नए नए रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।